सभी को नमस्कार, आप लोगों को आपके चैनल में स्वागत है। तो आज हम ये जो उपस्थित है ये मोतिहारी जो सत्याग्रह पार्क के नाम से फेमस है, तो यहीं पे आज हम उपस्थित है। और ये जो अभी हम लोग ऐसे गए थे जो सत्याग्रह चरखा पार्क है वहाँ पे कोविड के कारण वहाँ पे बंद था, तो आज तो यहाँ पे हम लोग ये सत्याग्रह पार्क, तो इसकी क्या विशेषता है, ये सत्याग्रह पार्क का नाम क्या है और ये कैसा जगह है, कैसा पार्क है, सब आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले भी हैं। तो चैनल पे बने रहे लास्ट तक। तो चलिए यहाँ का कुछ नज़ारा देख लेते हैं, यहाँ का हरियाली का। यहाँ पे हम लोग तो घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत से बाहर से मतलब ये टिकट हम लोग लगाए तो देखे होंगे और बाहर में सब कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के लिए घूमने के लिए। तो अभी चलिए, और पीछे झूला पर कुछ रखा हुआ है और ये यहाँ पे कुछ ऐसे टीला टाइप का कुछ है, तो यहीं पर हम लोग चढ़े हैं। और यहाँ से चढ़ने के बाद यहाँ पर सब नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है, पार्क का पूरा लोकेशन यहाँ से दिखाई देता है। तो ये जो जगह है ये बहुत
ही घूमने के लिए, जैसे कि सुबह शाम आप लोग यहाँ पे आके जॉगिंग कर सकते हैं। तो ये अभी लोकेशन बहुत ही अच्छा है, पीछे बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सुबह को आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पीछे ऐसे सब सामान रखा हुआ है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही हम वीडियो तो लाते रहेंगे। तो इस वीडियो का इंजॉय कीजिए, और चलिए बाकी जितना भी और जो भी यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे लाइट का व्यवस्था यहाँ पे 8 बजे तक, रात्रि 8 बजे तक खुली रहती है। अभी तो ये मौसम बारिश का मौसम अभी हुआ है, तो वही अंधेरा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ का जो व्यू है बहुत ही फ्रेश व्यू है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमको घूम के मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर हो सकता है तो ये मोतियारी, अगर जो ये चरखा पार्क अगर खुला है तो वहाँ का भी हम आपको दिखाएँगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।